नमस्कार दोस्तों, भरतपुर राजस्थान में एक और स्कूल बस में घुसकर आरोपियों ने उत्पात मचा दिया, जिसका विरोध करने पर स्टूडेंट से एक से हाथापाई की और यहां पर कपड़े फाड़ दिए। गृह राज्य मंत्री का काफिला रोककर स्टूडेंट ने पूरी आपबीती सुनाई। मामला भरतपुर का है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल के बस में ये मामला सामने आया। आरोपियों ने बस में बैठी स्टूडेंट्स के साथ भी जमकर विवाद किया। छात्राओं ने इसका जमकर विरोध किया। इस बीच यहां पर गुजर रहा मौके से गृह राज्य मंत्री बेडम का यहां पर से काफिला रोका। इस बीच जवाहर सिंह बेडम को काफिला रोककर पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने यहां पर आरोपी की तलाश करना शुरू कर दिया है कि यहां से गुजर रहे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के काफिलों को रुकवाया और मंत्रियों को आपबीती सुनाकर पूरे मामले की जाँच करने की मांग की। स्कूल बस के ड्राइवर हरगोविंद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज स्कूल से बच्चों को घर छोड़ने के लिए 2 बजे रवाना हुए। 26 सीटर बस में करीब 22 बच्चे थे। यहां से फोन कर रहा था एक, तभी आरोपी बस में घुस गए और रुकवा कर जमकर विवाद किया। इस बीच ये मामला सामने आ रहा है। हरगोविंद ने बताया कि स्कूल से 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, बदमाश उसके रुपए भी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई में शुरू कर दिया है। जब भी दी जा रही है, तमाम वीडियोज के लिए बन रही थी।